पाकिस्तानी कौम को कि अभी अदालत में जो केसेस हैं
मैच का अपना जो मौकफ जो लिख कर दिया इन्होंने कागज के ऊपर हाई कोर्ट में, कहा कि हमजा शहबाज शरीफ अपने खानदान में सबसे ज्यादा हमसे ताबून कर रहा है, हमें उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन थे मुहरिकात थे कि इन्होंने एक दहशत गर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, दीवारें फड़ांग कर अंदर आए। और मैंने यही कहा था पाकिस्तानी कौम को कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है और आपको और मुझको दोनों को मिलकर कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत के फैसले को एहतराम करना चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और फिर मैं कहूंगा मेरे कारकुनों, हम पुरअमन लोग हैं, हमें कहा गया मैच की टीम ने कहा कि जदोकोप किया, मुझे बताओ, मैं पाकिस्तानी कौम से पूछता हूँ, जदोकोप वो करते हैं जिनके घरों की दीवारें फलांग कर अंदर आते हैं, या जदोकोप वो करते हैं जिनको आप घर में मबूस कर देते हैं? और बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे कारकुनों, आज इमरान नाजी साहब, मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूँ, मैं नैब से नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूँ, लेकिन सुनो मेरी बात, आज मैं डरा हुआ हूँ। बताता हूँ क्यों डरा हुआ हूँ। मुझे पाकिस्तान के मौसी हालात डरा रहे हैं। पाकिस्तान की 71 साल तारीख में डॉलर की गिरावट को हुई है, पर पाकिस्तानी कौम ने नहीं देखी। आज इंटरनेशनल एजेंसी पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा होने का अपना सबूत दे रही है, बात कर रही है। और न्याजी साहब, मुझे डर है इन लोगों की रोजगार का, जिनके मुंह से आपने रोटी का निवाला छीन लिया। आज अस्पतालों में दवाइयां 100% महंगी हो गई है और कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो आम आदमी सरकारी अस्पताल में मुफ्त कराता था, सरकारी अस्पताल के टेस्ट महंगे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के टेस्ट सस्ते हैं। तो न्याजी साहब, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये मईशत का बड़ा हरक जो आपने 8 महीने में किया है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा था कि आओ मिसाके मईशत पर बात करो, पाकिस्तान कौम की खातिर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन वहां से न्याजी साहब की तरफ से चोर डाकू के नारे सुनने को मिले। न्याजी साहब, ये सियासी लड़ाइयां लड़ने के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन आज एक एक दिन डॉलर की जितनी हुई जो अपना साख है, वो पाकिस्तान की मईशत पर सवालिया निशान लगा रही है। आज भी आपने मुझे घर में एक दहशतगर्द की तरह मबूस रखा। आज भी मैं कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मोदी के जंगी जनून का साया था, उस वक्त भी ऑपोजिशन ने हुकूमती बैंकों के साथ यकजेत होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। आज भी मैं कहता हूं कि इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है। आज कानून की जीत हुई है, किसी और की जीत नहीं हुई। आइए इस पाकिस्तानी कौम के सामने मैं आपको दोबारा से ऑफर करता हूँ तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिनको जेन्युइन तशवीश है कि पाकिस्तान की मईशत सख्त डूब रही है, पाकिस्तान के पास कर्जा सर्विस करने के लिए पैसे नहीं है, गरीब आदमी, रेड़ी वाला, ताजर, इंडस्ट्रियल सब परेशान बैठे हैं।
आइए कोई पाकिस्तान की दूसरी मईशत के लिए कोई रोड मैप बनाए, इस पाकिस्तानी कौम को भी कुछ ठंडा हवा का झोंका आए। चोर डाकू जेले ये सुन सुन कर पाकिस्तानी कौम के कान पक गए न्याजी साहब, और झूठ बोलना छोड़ दो, फोकस और हसद के कुछ नहीं पा रहा हूं। गरीब आदमी के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, देखो आज आके गरीब आदमी का बेटा बेटी कच्ची छत के नीचे वो भूख से भड़क रहे हैं। इस भूख को आके महसूस करो, इस प्यास को आके महसूस करो, गरीब आदमी की लाचारगी को आके महसूस करो, तो तुम्हें शायद पाकिस्तानियत याद आ जाए। हमें लोगों ने हजारों लाखों वोट देकर ऐवानों में भेजा है, पत्थर रखकर हमने ऐवानों में हल्फ उठाया, बदतरीन धांधली के बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर टूटी फूटी जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। आज भी पाकिस्तानियत का तकाजा है कि पाकिस्तान के लिए हम हर ताबून के लिए हाजिर हैं, लेकिन आपकी गीदड़ भक्तियों से ये चोर चोर के नारे। न्याजी साहब, मुशर्रफ दौर का 10 साल एहतसाब मैंने भुगता है, 10 साल भुगता है जब मेरे खानदान को जिला बदनाम कर दिया गया। मैं 18 साल का था जब 7 महीने अडयाला जेल काटी थी। मुझे सुनो डराओ, मुझे अल्लाह से डर लगता है, लेकिन आज पाकिस्तान के मुआशी हालात देखकर मैं खौफजदा हूँ। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क्यादत में, शहबाज शरीफ की क्यादत में जिस तरह हमने बिजली के अंधेरों को दूर किया है, इसी तरह पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल करेंगे और पाकिस्तान को कायद आजम का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। अब मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान। लाहौर हाई कोर्ट से बरार निकलने के बाद कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि गिरफ्तारी के लिए पेश ना होना उनका कानूनी हक था, आइंदा का लाए अमल वकला से मुशावरत के बाद ही तय किया जाएगा। नैब की टीम ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से गिरफ्तारी रोकने का जो हुक्म आज जारी किया गया है उससे हमारे मौकफ को तकवीत मिली है। उनका यह भी कहना था कि हमारे घर पर नैब के छापा जो मारा गया है आज वो 12 अक्टूबर की याद ताज़ा करवाती है। हमारे पुराने कारकुनान पर लाठी चार्ज किया गया जो कि सरासर ज्यादती थी।